हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी में आम खाएं या ना खाएं, और खाएं तो कितने खाएं। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है, खासतौर से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो हमारे और घर में बुजुर्ग हैं, वो क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आम नहीं खाना, मैंगो से दूर रहना है। और जबकि अब हम देख रहे हैं कि इस मार्च अप्रैल में बहुत सारे आम आने वाले हैं, मन तो प्रेग्नेंट लेडी का और भी ज़्यादा करता है। शायद एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी से प्रेग्नेंट लेडी का मन ज़्यादा करता है कि मैं आम खाऊं, खट्टा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है। तो हम क्या करें, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि आम में ऐसा क्या होता है जो आपको खाना चाहिए और जो आपको नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आम जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कच्चा आम और एक पका हुआ आम। कच्चे आम का आप आम पन्ना बनाते हैं, आप आम का अचार बनाते हैं, आप आम को छोंक के खाते हैं, पके हुए आम से आप आमरस बनाते हैं, स्मूदी बनाते हैं, और साथ में उसको ऐसे भी खाते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें सबसे पहले M से होता है इसमें मिनरल्स। अब मिनरल्स इसमें पोटेशियम इतना ज्यादा है कि शायद किसी और फ्रूट में, बनाना और मैंगो में, दोनों में ही पोटेशियम बहुत ज्यादा है, जितना किसी और फ्रूट में नहीं होता। और साथ में आप देखते हैं ये विटामिन रिच एक फ्रूट है जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई सब इसमें मिलते हैं, और विटामिन्स तो हमें बहुत जरूरी चाहिए। इसके साथ इसमें होता है फाइबर जो कि हमारे पेट को साफ रखने में हेल्प करता है। और बात करें हम इसमें आयरन की, तो आयरन इसमें कच्चे आम के कंपैरिजन में कम होता है, और कैलोरीज की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। फिर भी आम जो है इतना रिच है आयरन में कि अगर आप इसको लेंगे तो आप में खून की कमी नहीं होने वाली है। इसके साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बायोफ्लेवोनॉइड्स जो हैं आपके सारे तरह के जो छोटे छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, कफ की प्रॉब्लम है, आपको गैस की प्रॉब्लम है, इन सबको दूर करते हैं। और हम इसमें इतना कुछ पाते हैं कि शायद एक आम अपने आप में कंप्लीट फूड हो सकता है। लेकिन कच्चे आम और पके आम में हम देखें तो कच्चे आम में वो सब चीजें ज्यादा होती हैं पके आम के कंपैरिजन में, लेकिन पके हुए आम में कैलोरीज ज्यादा होती हैं कच्चे आम के कंपैरिजन में। कच्चे आम को खाने के लिए आपको उसमें ऑयल मिलाना पड़ता है, या तो आपको उसको छोंकना पड़ता है, अचार डालना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है, जबकि पके हुए आम में आप ज्यादातर क्रीम, दूध, शुगर ऐड करके लेते हैं। तो आप कच्चे आम को जब लेते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें ऑयल कंटेंट बहुत कम डालें, और जब पका हुआ आम खाते हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड ना करें, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कैलोरी रिच। अब मैं आम की इतनी शौकीन हूं कि मैं पूरे साल आम खाती हूं। मैं अपनी फ्रिज में आम को चॉप करके भी प्रिजर्व करती हूँ, आम की प्यूरी बना के भी प्रिजर्व करती हूँ, और शायद हर 8-10 दिन बाद मेरा आम खाने का मन करता ही रहता है, और मैं इसीलिए आम के सीजन में आम को प्रिजर्व करके रखती हूँ। और अगर आप देखना चाहें कि कैसे प्रिजर्व करते हैं तो आप मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर डॉक्टर बीना की साइंस, जो कि मेरा
अलग चैनल है, आप उस पे जाके देख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि इसका लिंक आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन में। तो अब ये बात उठती है कि आम कब खाना चाहिए। आम खाना चाहिए आपको मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, 4 बजे से पहले पहले। अगर आप इसको 4 बजे के बाद खाते हैं और फिर आप अपना डिनर भी करते हैं तो इतनी ज्यादा कैलोरीज 8 बजे से पहले आपके पास होंगी तो आपको ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये आपके वेट को पुट ऑन करवाने वाला है। तो अगर आप 4 बजे से पहले दिन में आम को कंज्यूम करते हैं विदाउट एक्स्ट्रा शुगर, विदाउट एक्स्ट्रा क्रीम, विदाउट आइसक्रीम ऐड किए, तो ये आपके लिए एक हेल्दी डाइट है। और वैसे भी आम तो फलों का राजा है, और राजा किसके लिए अच्छा नहीं हो सकता, राजा तो सबके लिए अच्छा है, तो ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी अच्छा है। तो अब हमसे व्यूअर्स पूछते हैं कि फिर डॉक्टर साहब इसको क्यों मना किया जाता है। देखिए, पहले इसको कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता था, पहले इतने कोल्ड स्टोरेज और इतने साधन नहीं थे, आम उगता कहीं था, बिकता कहीं था, तो लोग रॉ आम को खरीद कर ही ट्रांसपोर्ट कर देते थे और फिर जहां उसको बेचना होता था वहां उसको कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता था। और वो कैल्शियम कार्बाइड थोड़ा बहुत उसके अंदर भी रह जाता था, अगर आपने उसको ढंग से नहीं धोया तो वो आपके बॉडी में भी जाता था। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब मेरी मदर एक बार आम खा रही थी, हालांकि उन्होंने उसको धोया तो उन्होंने उसके जो जहां डंडी लगी होती है उसकी स्टॉक होता है उसके पास से जैसे ही अपने दांत से उसको काटा तो उसमें इतना कैल्शियम कार्बाइड था कि उन्होंने उसके दांत को ही, टीथ को ही डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और टीथ में नीचे एक कैविटी सामने की सामने बन गई और बहुत जोर का पेन हुआ। तो इसीलिए, क्योंकि वो तो ज्यादा अमाउंट में था तो पता चल गया, लेकिन कई बार वो कम अमाउंट में होता है आपको पता नहीं चलता और आप मुंह से आम खाते हैं, छिलके के साथ खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में चला जाता है। लेकिन 2016 से बैन लगने के बाद FDA ने इस पे बैन लगाया है कि अब आप आम को या किसी भी फल को कैल्शियम कार्बाइड से नहीं पका सकते। तो आज की तारीख में इसमें कोई ऐसा पकाने वाला केमिकल नहीं है, आप इसको सीधा मार्केट से लाकर वॉश करके खा सकते हैं। यहाँ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हम आम को कैसे फ्रिज में स्टोर करें, कब उसको धोएं। तो वो गलती क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारा आम लेके आते हैं और फिर उसको घर आते ही वॉश करके और फ्रिज में रख देते हैं, जो कि गलत है। उससे आपका आम अंदर से गिटली के पास से खराब हो जाता है और आप सारा दोष देते हैं फ्रूट वाले को कि उसने हमें अच्छा आम नहीं दिया। तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो डॉक्टर बीना की साइंस पे मैंने डाल रखा है कि हम फ्रूट को कब प्रिजर्व करें, उसको फ्रिज में कब रखें कि वो खराब नहीं हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आम से जुड़े हुए ये दोनों वीडियो आप वहां पे जाकर भी देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि आम खाना 2016 से पहले हो सकता है किसी के लिए माइन्यूटली खराब भी हो, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मन करता है आप आम जरूर खाइए, लेकिन सावधान रहिए कि ये बहुत ज्यादा कैलोरी वाला फूड होता है, फ्रूट है, तो आप इसको ज्यादा ना खाएं। नुकसान तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ये आपके वेट को पुट ऑन कर देगा, लाइक मी, जैसे मैं थोड़ी फैटी हो चुकी हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं आम बहुत ज्यादा खाती हूँ। सर्दी, गर्मी, बरसात, मुझे तीनों मौसम में आम चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको ये भी पता चल गया कि डॉक्टर बीना की क्या वीकनेस है, वो आम क्यों इतना ज्यादा खाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप भी खाइए। और कुछ एक क्वेश्चन यहाँ रह जाता है कि क्या पीरियड्स में आम को खाया जा सकता है। यस, अगर आप पीरियड्स में आम को खाते हैं तो आपको जो उस समय रिक्वायर्ड मिनरल्स है वो सब आपको मिल जाएंगे, रिक्वायर्ड विटामिन्स आपको मिल जाएंगे और आपके उल्टा पीरियड रेगुलर और स्मूथ हो
जाएंगे और पेन लेस हो जाएंगे। तो आप पीरियड्स में भी आम को खा सकते हैं। कच्चा आम आप कम खाइए, और क्योंकि उसमें ऑयल ज्यादा होता है, और पके हुए आम में विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कैलोरी आप उसको लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल द